बोलो ये क्या है, ये 2009 की कार्रवाई क्या है भाई, क्या है 2009 की कार्रवाई का जिक्र चल रहा है, जरा बोलो साहब। नहीं नहीं नहीं, आपने जो प्लान ये देखो ये आप भी करे, आप बोलो ठीक है, आप टाउन प्लानिंग सेक्शन से, तुमने टाउन प्लानिंग नहीं टाउन प्लानिंग वालों को बुलाओ ना, तुम है ना कमिश्नर से चर्चा करो, बोलो यहाँ सौ का हो ना, कू जो सर मैंने इतना लेटर किया, इतना मैसेजेस किया, एक रिप्लाई नहीं है। आप लोग आ रहे वो नया प्लान है, कौन सा प्लान सेंक्शन करे, काय के आधार पे करे, ये आधार कहाँ है, ये आधार कहाँ है, ये मैंने घर में बनाया क्या भाई, नहीं तो पूरा साइड का कर दो, पूरा ले लो सब, ले लो उधर कम कर, इधर भी कर दो, कोई नहीं रोकता, फिर उधर कम कर, इधर भी कर दो। तो मेरे को लोगों के से आप मार खिलाना चाह रहे हो, उस दिन MSRDC का कौन है अधिकारी जिम्मेदार उसको बुलाओ आप, उस दिन कोई अधिकारी जगह पे नहीं है, काम चालू, मैं पूछा भाई अधिकारी कहाँ है, तो ठेकेदार के गुंडे थे वो मार नहीं पा रहे, कौन थे मेरे को बताना, बोल रहे क्या कुछ ऐसा थोड़ी बोल रहे, कौन है आप, ऑफिस के आदमी आ रहे, जो आ रहा नया मारपोट कर रहे, जो आ रहा नया मारपोट कर, MSRDC से आप है क्या, मैंने कितने फोन किया आपको, छुट्टी के दिन आपने परवानगी दी थे क्या ठेकेदार को काम करना, पूरी पाड़वे के दिन आपने, मैंने आपको 10 फोन लगाया, आपने फोन रिसीव नहीं करे, उसके पास मार्किंग नहीं है, पॉइंट नहीं है, मैं बोला ये जो है मैप ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हो ना, ये एग्जीक्यूट हो ना, तो मैं उसके पास गया तो ठेकेदार को नहीं, वो मार नहीं पा रहा, तुमने उसको परवाह की दी क्या मारने का, लोगों से लड़ने के रास्ते, क्या कार्रवाई करेंगे उसका, अप्लीकेशन देता पूरे वीडियोस के साथ में देता, क्या है कौन है वो, उसको मेरे को पूरे निकाल के मैंने उसे पुलिस स्टेशन में दिया, आपके मोरे साहब डिप्टी इंजीनियर, मैंने उनको बताया ये सब तफसील, तो बोलते हाँ आप अप्लीकेशन हो कंप्लेन करो, बोला हमारी भी कर दो, तो आपने उनको अथॉरिटी, आपने काम करने की परवानगी दिए थे क्या, क्या ठेकेदार बुलाइए आपको, नहीं मालूम मार रहे थे उस दिन लोग, आप लोग अच्छा हुआ मेरे मरने से पहले आ गए, देख तो लिए तुमने, अब मैं बता तुमको ऐसा लगा, कहाँ ठेकेदार, ठेकेदार का बेटा कुर्सी दो, क्या हुआ था वीडियो है ना, जो साहब ने बोले हुए, साहब ने बोले हुए हमारे, साहब ने बोले हुए ये BMC तुम्हारे को ऊपर रात में, रात को 3 बजे काम करने का आदेश है, तुम्हारे को 12 बजे 1 बजे 2 बजे रात में, मैंने इनको लेके वीडियो से मेरे यहाँ एलबार नहीं डाले, यहाँ पर ये अपने वो नहीं है, भीम नहीं है, कंटिन्यू भीम देना है आपको लाइट में, ये विजुअल्स बताता है, उसके बाद में आप देखो क्या है, हमको मतलब जूते खिलाने के रास्ते में आपने यहाँ पे छोड़े, कुमले साहब तुम जिम्मेदार है, तुमको 1000 फोना मारा, बांजड़े साहब को 1000 फोना मारा, कमिश्नर साहब को 1000 फोना है, मैसेजेस है, ये मसला हल करो, आप लोगों ने बोले पुलिस में से यहाँ तक के आन दो आ गया, तो आप ये मसला आपको ये एग्जीक्यूट करने क्या है, मेरे को अड़चन क्या है पब्लिक में बताओ,
वैसा नहीं है सर। ये देखो मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं है, एक मिनट आप सुनिए, मेरी बात सुन के लीजिए। मेरी पर्सनल दुश्मनी है किसी से, अगर किसी का नुकसान हो रहा है 10 पट मुफ्त लग दो, 2 पट दो, 4 पट दो, लेकिन हमारा हजारों लोगों की तकलीफ दूर करो। हजारों लोगों की जो तकलीफ है ना वो दूर करो। इसके बाद में ये 5 साल से हम जो मेहनत कर रहे हैं ना, तो आज हमको दिख रहा है काम। अब इसके बाद कितने साल बाद दूंगा ये नहीं मालूम। अच्छे से करके दो। नहीं नहीं तुमने क्या बताया मुझे, क्या हुई थी बात? अंदर से कुर्सी लेना, अंदर से दुकान में से ले, अंदर से बताया भी दिए ठेकेदार भी है। 2 मिनट पूछ, ठेकेदार को बोला ले घबरा कुर्सी ले। गली है नहीं, तो क्यों नहीं है, क्यों नहीं है तुम्हारे हाथ में? ये कौन मना रहा है, काय के बारे में मना रहे? सुनिए सर मैं बताता हूँ, ये लो एक कुर्सी दे दो बेटा। बताता ना आपको, सब बताता। गटगट गेट की जो अंदर की जो एक मिल्कियत थी, हयात हॉस्पिटल बना हुआ है। हयात हॉस्पिटल वाला कोर्ट को चले गया था, हाईकोर्ट को। सुनिए ना सर यार, वो क्या है मसला मैं बता रहा। गटगट गेट के अंदर का जो हयात हॉस्पिटल है, चलो जमा मत हो यहाँ पे, थोड़ा शाफी बाबा जमा जमा मत बोलना मुखिल भाई, ये जमा मत बोलना। जाओ पब्लिक को मारने वाला क्या चल रहा है? साफ लोग के साइड का कर दो। तुम्हारा 30 मीटर के रोड अंदर से एस्टीमेट बना रहे 24 का, नहीं नहीं उसमें आ रहे हैं 18 का। ये गलतियाँ कर रहे ना, ये नहीं कर रहे तो जम होंगे। जो पुराने शहर से नए शहर को जोड़ रहा उस पर ट्रैफिक के को, मेरे को होटल के बच्चे खड़े रह के ट्रैफिक निकालना पड़ता वहाँ पे, वो टर्न है ना आपके जंक्शन पॉइंट। ये देखिए कितने गले आ जाए, 1 2 ये 3, ये 3 गले आ जाए, 2 3 ये 1 आ रहा बड़ा रोटी, बस बस 5 है। ये जंक्शन है, इसके क्या नियम है? नियम क्यों नहीं है? वो बोल रहा की मार्किंग ही नहीं था, वो बोल रहा इधर नक्शा है, नक्शा जो बोल रहा वो कर, जिसमें सेंटर पॉइंट ले, ये 30 या 30 क्योंकि वो काम कर रहा है, कर अगौ चाले कर रहा, वो आगे सुपारे उठा रखे आएगी। कोरोना काल का मामला है, मेरे ये नक्शा ये क्यों नहीं, आप मेरे को इसका जवाब दो, ये प्लान एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहे? यहाँ तक हम कर सकते, कहाँ तक? क्यों क्यों तो मंजूरी कौन दिया? ये हमारे घर में बनाया क्या? ये नकाशा नहीं तो अड़चन क्या है? एक मिनट, वो बना रहे आप, सुनिए सर, सर सर सुनिए, वो नकाशा आप बना रहे वो मंजूरी दी, तो ये मंजूरी क्यों नहीं ली आपने? इनको अड़चन क्या है मेरे को ये बताइए आप, मेरे को अड़चन बताइए सर, मेरे को दूसरी बात नहीं है, ये प्लान है मैंने घर में बनाया हुआ है क्या? अरे भाई घर में बनाया, ये पुराना प्लान है। नहीं तो अच्छा 2009 की फाइल क्या है? अतिक्रमण वाला हो है 2009 की फाइल, वो लेटरों में दिया हुआ है 10 बार, जो अतिक्रमण तुमने 2009 में निकाले थे। मैंने रविंद्र निगम साहब से बात करा, रविंद्र निगम साहब से बोले कि मैं आता और ये नहीं कर सकते,
2009 में जो तुमने कार्रवाई करे थे वो भाई के तहत मुझे काम हो ना। अरे ये पब्लिक का बेवकूफ है, हजारों लोगों की तकलीफ नहीं समझ रहे तुम, उनका टाइमिंग है वहाँ क्या 100 का 150 का हो ना वहाँ पे, ये क्यों पहले भी बात बताइए ये क्यों क्यों नहीं कर रहे। हमारे को सिर्फ कैरेज करना है, हम कैरेज का काम कर रहे हैं। मतलब जो जो कैरेज है अभी जब आप जो बोल रहे हैं ये फुल जब डेवलप होगा कौन से मैप नहीं आप क्या ये मैं काम ये है ना ये प्लान के हिसाब से कर रहे हैं नहीं तो आप बोलो नहीं पब्लिक में ऑन पब्लिक बोलो कि आप ये वो सैंक्शन प्लान के हिसाब से होगा। कौन सा सैंक्शन है, कौन सा सैंक्शन है, तो वो कहाँ से आया मेरे को गवर्नमेंट कौन से ऑफिस से आया है मेरे को मालूम पड़ रहा था। टाउन प्लानिंग का है ना, टाउन प्लानिंग तुम्हारे टाउन प्लानिंग का है ना भैया। देखो इसको आपको कहाँ चैलेंज करना है ना, उसका प्लेटफॉर्म अलग है, कहाँ इसको चैलेंज कर सकते तो नहीं मैं क्यों करूँ मेरे को ये मैं यहाँ रोड पे लेके बैठा हुआ है मेरे को 353 दाखिल करो अंदर करो फिर समझ रहे क्या। नहीं नहीं क्या गलत है तुम गलत है इतना नहीं नहीं बात क्यों नहीं कर रहे मंजूर आपने करे ना वो आपने करे ना मंजूर ये प्लान है मैंने घर में बनाया हुआ है क्या ये क्यों नहीं कर रहे ये क्या है ये 2009 की कार्रवाई कहाँ है भाई क्या है कमिश्नर से चर्चा करो बोलो यहाँ सौ का हो ना वो गलत है ढंग बना के सर मैंने इतने लेटर नहीं तुम बोलो गलत है तो फिर कौन सा एक रिप्लाई नहीं है आप लोग का वो प्लान तुम्हारा है टेंशन करे काय के आधार पे करे क्या आधार कहाँ है क्या आधार कहाँ है ये मैंने घर में बनाया क्या। अरे भाई हमारे क्या बोलना चाह रहा हूँ मतलब नहीं तो पूरा साढ़ का कर दो पूरा ले लो सब ले लो चलो उधर कम करो इधर कम करो ना हाँ उधर कम करो इधर भी कर दो कोई नहीं रोकता फिर उधर कम कर इधर भी कर दो। हम ये जो जेमेस है ये जेमेस के उससे कम से कम कॉर्नर बना के दो कॉर्नर की हमारा भी पास में कुछ असलियती एरिया है इसका मतलब ऐसा कुछ भी करते हैं ऐसा नहीं है शिशु भी करा नहीं इसका भी होना कुछ ब्यूटिफिकेशन यहाँ पर भी होना बताइए ना मेरी कहा गलत है अब वो जेमेस बता रहे ये क्या इसमें अड़चन क्या आपको ये बताओ मेरे को ये एग्जीक्यूट करने में अड़चन क्या है नहीं ये पब्लिक अरे ऐसा कैसा पब्लिक डोमेन में आना चाहिए ना क्या काम है फिर इनका ये इनका काम नहीं है तो किसका काम है फिर नहीं नहीं टाउन प्लानिंग सेक्शन आप लेके जाइए हेलो भाई प्रेशर लो ये तुम ले लो मेरा जो है ना मेरा काम है एग्जीक्यूट करना है रोड को तो क्या एग्जीक्यूट करेंगे आप क्या एग्जीक्यूट किया आपने अरे बार बार काम बंद हो रहा चालू हो रहा क्या एग्जीक्यूट किया आपने आप कारपोरेशन से है ना अरे भाई टाउन प्लानिंग के मार्किंग के हिसाब से काम होगा कहाँ मार्किंग हुई अभी तक बताओ मेरे को अरे दो बार मार्किंग हो चुकी है कितनी बार काम रुका है कॉन्ट्रैक्टर की मार्किंग हुई नहीं अतिक्रमण निकला नहीं ठेकेदार बोल रहा है मार्किंग नहीं दी आप ठेकेदार का बोलना है मार्किंग नहीं अच्छा, हुई दूसरी मैं काम कैसे करूं ये प्लान है और आपका प्लान तो अलग अलग है आप बोले सैंक्शन प्लान ये अतिक्रमण क्या है ये जमशेद साहब आप बताइए ना आप अतिक्रमण विभाग के आप मेरे को पकड़ रहे तुम अरे बात कर रहे हो तुम मेरे को पकड़ रहे हो नहीं भाग रहे हो ना अरे भाग रहे कहीं को इनसे बात कर दो ना साहब से सबसे बात कर रहे हो बोले साहब ये लोग हमारे और एक कॉन्फ्रेंस
मजदूर मजदूर काम कर रहे आप पब्लिक में आए तो पब्लिक पर जवाब दो सर, ऐसा नहीं है, आपको पब्लिक पर जवाब देना पड़ेगा। पूछो इससे ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहे, प्रॉब्लम क्या है सर? अरे ये क्या है, मंजूरी कौन दिया, काय की है वो टाउन प्लानिंग का काम है, ये एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर रहे? मेरे को ये काम होना रहे टाउन प्लानिंग मार्किंग, ये तो ये नक्शा ये तुमच्याच बनवले ना, ये नक्शा कोणा चाहिए? तो फिर आप आए भाई, मैं आपको बताऊंगा ना सर, आप आए टाउन प्लानिंग सर, ये बोलिए मजार भाई देना सर, ये पब्लिक में आप आए तो पब्लिक में जवाब देना चाहिए ना। अरे सलीम भाई जिस सर ये से बात करके क्या मतलब है तुम्हारे को, मेरा एग्जीक्यूशन का काम है, एक टाउन प्लानिंग वाले भाग जा रहे हैं, इनका क्या बोल रहा है टाउन प्लानिंग वाला भाग जा रहा, सुनो ना तुम्हें लेटर दिए गए, सुनो सर आप बोल रहे हैं अधिकारी आए थे तो आपने क्या बताया उनको, क्या देखे उन्होंने? देखिए मैंने उनको यही बताया जो मैंने मीडिया में आके बताया था कि ये जेएमएस है, ये गवर्नमेंट ने जो बनाई हुई है नक्शा, ये तो तुम्हारे और कंसर्न पार्टी के और ये जो मैप मंजूर हुआ हुआ है तो ये एग्जीक्यूट नहीं करके वो नया नक्शा एग्जीक्यूट कर रहे हैं सर। तो मेरा ये बोलना है कि वो किसके आदेश पे कर रहे हैं, तो उनका बोलना है कि माजी कमिश्नर थे उन्होंने ऐसा आदेश दिए थे, वो जो हयात हॉस्पिटल वाले हैं ना, जब मैंने बताया था इससे पहले भी कि वो हाईकोर्ट को चले जा रहे थे बोल के, तो वहाँ पर थोड़े से के वास्ते में एडजस्टमेंट कर रहे थे 30-30 फीट, लेकिन वहाँ से आगे 100 का था, तो ये पूरा ही वहाँ से टर्न तक के साड़ का कर रहे, और आपको तो मालूम है उसमें टर्निंग के फाइनिंग के मैंने बताया 5 गलियाँ कनेक्शन है, ये बार बार 5 गलियाँ कनेक्शन है, सुनिए आप 5 गलियाँ वो जंक्शन के नियम हो रहे थे, तो वो जंक्शन के नियम नहीं है उसमें, तुम लेंगे यार कुछ भी अखिलियती इलाका है बोल के कुछ भी लेंगे यार थोप देंगे, तो हम ये चीज़ को मानने वाले नहीं है। नहीं आपका अगला कदम क्या है, अगला कदम क्या है? क्या देखिए भाई, हम हमारी लड़ाई लड़ रहे, अब उसमें वो नहीं करते हैं तो मेरा ये बोलना है उनको कि आप मेरे पे 353 दाखिल करो और मेरे को जेल में भेज दो और आप काम कर लो, मैं जब तक बाहर है तो काम नहीं करने दूंगा। तो आप संतुष्ट नहीं है काम से? बिल्कुल नहीं है ना, कैसा रहूंगा? प्लानिंग के मेरे को यहाँ पे रहना है, मेरे वार्ड के लोगों को हजारों बार जाना है, मेरी किसी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा बोलना है कि अगर कोई प्रॉपर्टी इफेक्ट हो रही होंगी थोड़ी बहुत 10-20 फीट 30 फीट, आप उसको 4 पट में बदला बढ़ के दो ना, उसको कन्विंस करो, लेकिन ये आज हजारों लोगों की तकलीफ को दूर करो। मैं 5 साल से लड़ रहा रोड बनाओ बोल के, अब जाके काम हो रहा तो मैं उसको सर सुनिए 5 साल की मेहनत मैं वाया नहीं जाने देना चाहता, मैं जेल जाना पसंद करूंगा लेकिन मेरे 5 सालों की मेहनत को मैं वाया नहीं जाने देना। कौन से अधिकारी है जो अनदेखी कर रहे हैं काम में? टाउन प्लानिंग सेक्शन, इन्होंने पैसे खाए और कुछ लोगों को गलत सलत गुंटेवारियां करके दिए, इन्होंने कोर्ट कमीशन की मोजनी के नक्शे की अनदेखी करी, ठीक है मैं इतने विषय में नहीं जा रहा, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है, मैं बोल रहा कि उनको 4 पट मुबदले बढ़ के दो ना, लेकिन ये हजारों लोगों की तकलीफ को दूर करो, बस मेरा इतना ही बोलना है, जजाक अल्लाह।